नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक महत्वपूर्ण खबर लेकर आपके समक्ष हम हाजिर हुए हैं। वो बच्चे, वो माता पिता जिनके बच्चे 18 साल या 18 साल से ज्यादा हैं और वो स्कूलों में टू व्हीलर्स लेकर जाते हैं, फिलहाल ये बड़ी खबर जो है उन्हीं स्कूलों से जुड़ी हुई है। स्कूल चाहे प्राइवेट हो या सरकारी स्कूल हो, फिलहाल बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं जो टू व्हीलर लेकर जाते हैं पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। पूरी खबर क्या है वो भी हम आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे, क्योंकि आए दिन जिस तरह से आप देखते हैं बच्चे जो 18 साल से कम हो माता पिता के साथ जिद करके जब वो स्कूलों में जाते हैं तो स्कूल प्रीमिसेस में यानी के वो टू व्हीलर्स या स्कूटी हो या मोटर बाइक को लेकर जाते, जिसके चलते बच्चों में इतनी समझ नहीं होती और जो 18 साल से नीचे होते कई बार देखा आपने कि हादसों में कई घरों के चिराग बुझ जाते जो पूरी उम्र माता पिता के लिए एक यानी के दुख का कारण बनते हैं। उन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते और साथ ही साथ जब बच्चे सड़कों पर उतरते हैं टू व्हीलर लेकर स्कूल जाने के लिए, ऐसे भी तो बच्चों में काफी देखा उनका बिहेवियर जो है वो बुरा बिहेवियर होता है, लोगों को चाहे वो खुद हर्ट होंगे परेशान होंगे दूसरों को भी अपने साथ परेशान करेंगे। फिलहाल बड़ी खबर जो आ रही है कश्मीर से आ रही है, आप देखना ये है क्या जम्मू में भी ये खबर जो इम्प्लीमेंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी पूरी तरह से टू व्हीलर को स्कूल प्रीमिसेस में बंद बैन कर दिया गया है जो बच्चे 18 साल से कम होंगे। वही नहीं बल्कि आप ये सोचेंगे कि कोई बात नहीं स्कूल के प्रीमिसेस में नहीं लगाएंगे गाड़ियां हम आगे पीछे लगाएंगे। फिलहाल कश्मीर की ओर से बड़ी खबर आई है कि एक स्पेशल स्क्वाड तैयार किया जा रहा है जिनकी पैनी नजर रहेगी, चाहे स्कूल के जो यूनिफॉर्म में बच्चे जब स्कूल से घर से स्कूल के लिए और निकलेंगे पूरी उन पर नजर रखी जाएगी। और पूरी खबर क्या वो भी बताना चाहेंगे, यानी लगातार जो शिकायतें आ रही थी कि रेकलेस ड्राइविंग स्टंट बाइकिंग को लेकर और साथ ही साथ डिसरिगार्ड फॉर सेफ्टी को लेकर लगातार बच्चे जो है स्कूलों से यानी कि घर से स्कूल की तौर तो जाते हैं माता पिता से झगड़ा कर उन अपनी मनमानी कर टू व्हीलर चाहे वो स्कूटी हो चाहे वो मोटर बाइक को ले तो लेते हैं, पर बाद में भगवान ना करे अगर कोई हादसा हो जाता है या खुद को कोई नुकसान होता है या उस गाड़ी को नुकसान होता है तो बच्चे माता पिता के सामने मानते ही नहीं है। इन्हीं सारी चीजों को नजर रखते हुए मद्देनजर रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अच्छा कदम सराहनीय कदम लिया है कि जितने भी बच्चे जो 18 साल से कम होंगे वो स्कूल प्रीमिसेस में गाड़ी लेकर यानी टू व्हीलर या फोर व्हीलर या मोटर बाइक या स्कूटी लेकर आना टोटली बैन कर दिया गया, ब्लैंकेट बैन कर दिया गया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो बच्चे 18 साल प्लस है या 18 साल से ऊपर है सबसे पहला जरूरी कि वो देखना वो हेलमेट पहने हुए, अगर उनके पीछे कोई बैठा तो पिलियन ने भी हेलमेट पहनी है या नहीं पहनी, और साथ ही साथ ये भी नजर रखी जाएगी कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, अगर नहीं होगा वो भी इसका वायलेशन करेंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। पर उसी बड़ी बात है कि जॉइंट डायरेक्टर फॉर द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सेंट्रल एंड नॉर्थ उन्होंने इसी रिगार्ड जो है कि लेटर इशू किया है चीफ एजुकेशन ऑफिसर ऑफ श्रीनगर जिसमें बडगाम गांधरबल बारामूला कुपवाड़ा और बांडीपुरा ये इन चीजों को इन एरियाज को हाईलाइट किया है कि इमीडिएट एक्शन लिया जाए इस पर, इमीडिएट कार्रवाई हो इसे इंप्लीमेंट किया जाए। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि काफी सारी कंप्लेंट सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से आ रही जो एक अलार्मिंग इंसिडेंट थी जिसमें बच्चों के छोटे छोटे स्कूली बच्चे इन्वॉल्व होते थे जबकि वो टू व्हीलर राइड करते थे, उनके बैड बिहेवियर को लेकर वो बदतमीजी भी करते थे, वो रैश ड्राइविंग भी करते थे, वो स्टंटबाजी भी करते थे जिसके साथ वो खुद तो अपनी जान को खतरे में डालते थे पर दूसरे जो रोड्स पर चलने वाले लोग हैं या दूसरे लोग जो ड्राइव करने वाले उनकी जान को भी खतरे में डालते थे, कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन थी। साथ ही साथ चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर ने जो बडगाम गांधरबल बालामूला कपवाड़ा एंड बांडीपुरा को भी ये डायरेक्टली इंस्ट्रक्टेड दिया यानी पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन दिया है कि ज्वाइंट डायरेक्टर को यह सैनिटाइज किया जाए, जितने भी ऑल हेड्स है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स के उन्हें पूरी तरह से इसकी जानकारी दी जाए, उन्हें सख्त तौर पर ये कहा जाए कि पूरी तरह से बैन किया जाए जो भी बच्चे 18 या 18 साल से कम है वो स्कूल में जो गाड़ियां लेकर आते हैं और उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और स्ट्रिक्टली उन पर कार्रवाई किया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो स्कूल आवर्स में स्कूटी या टू व्हीलर का यूज करते हैं और साफ साफ तौर पर ये जो खबर है काफी हम ये कहेंगे सराहनीय कार्य किया है। अब देखना यह है कि क्या लगता है आपको
कि जम्मू के भी डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन की जो नींद खुलेगी क्या वो भी इस तरह का, इसमें बाकी जो ऑफिसर है पुलिस के आला अधिकारियों को आरटीओ कश्मीर है उनकी भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, उनकी भी नेतृत्व में ये सारी चीजों को यानी इन पर नजर रखी जाएगी। एक स्पेशल स्क्वाड का यानी एक स्पेशल स्क्वाड बनाया जा रहा है जिसके माध्यम से उन बच्चों पर नजर रखी जाएगी कि कोई भी अगर सड़क पर किसी के साथ मिसबिहेव करता है या रैश ड्राइविंग करेगा या स्टैंडबाजी करेगा या स्कूल प्रीमिसेस में गाड़ी लेकर जाएगा जबकि मना किया है 18 साल से कम बच्चों को, प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल कश्मीर के जितने भी हैं ये उन लोगों का साफ तौर पर सख्त हिदायतें हैं कि ये बच्चे को जो 18 साल से कम है स्कूल प्रीमिसेस में वो बिल्कुल भी चाहे टू व्हीलर है चाहे फोर व्हीलर है वो नहीं आएगा। और साथ ही साथ जो 18 साल से प्लस है वो भी हेलमेट के बिना या ड्राइविंग लाइसेंस के बिना स्कूल प्रीमिसेस में टू व्हीलर या फोर व्हीलर लेकर नहीं एंटर होंगे। और साफ तौर पर ये हिदायतें दी गई हैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर को भी, और कुछ एरियाज जो हमने बताया वो उनको हाईलाइट किया गया क्योंकि आए दिन जिस तरह से सड़क हादसे होते हैं और कहीं ना कहीं माता पिता के साथ जिद करके माता पिता को परेशान करके माता पिता से अपनी मनमानी करवा कर बच्चे जो है छोटी उम्र में यानी माइनर बच्चे 18 साल से कम हो वो क्या करते हैं गाड़ियां ले लेते हैं और स्कूटियां या बाइक लेकर फिर जब सड़कों पर उतरते हैं वो कहते हैं हम हवा में उड़ रहे हैं, वो ये नहीं देखते कि दूसरों को नुकसान तो मिलेगा पर उसी के साथ साथ हमें तो हमारी जानी नुकसान भी हो सकता है और हमारे माता पिता भी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो इन सारी चीजों को लगातार शिकायतें मिल रही थी और ये ऐसी कुछ वीडियोस मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी जिसके चलते जो कि ये कहेंगे कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अच्छा कदम लिया है, एक सराहनीय कदम लिया है और वाकई ये कदम सराहनीय ही हो सकता है। और उम्मीद करते हैं कि जम्मू में भी जो हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है वो भी इस तरह का कोई आदेश निकाले क्योंकि अगर जम्मू की बात करें तो इस सारी चीजों में जम्मू काफी ढीलापन ढीला रवैया अपनाते हैं और कश्मीर इस तरह के काफी अच्छे कदम कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन उठा रही जो कहीं ना कहीं जनता के साथ हमारे आने वाले युवा पीढ़ी को भी कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी को सेव करने में काफी सिद्ध साबित हो रही है। फिर से कहेंगे एक बार कि जितने भी लोग हमें इस समय देख रहे हैं और ये भी हिदायतें दी जा रही है जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं आम जनता देख रही है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करें ताकि कश्मीर में जितने भी स्कूल्स हैं चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट और जितने भी छात्र छात्राएं हैं या उनके माता पिता ये वीडियो उन तक पहुंचे ताकि उन्हें पता चले कि आदेश क्या निकला है। अगर कोई भी इस आदेश की अवहेलना करेगा या आप सोचेंगे कि चलिए स्कूल के बाहर नहीं आगे पीछे किसी गली में किसी रोड में आप जाकर स्कूटी या मोटर बाइक लगाएंगे तो उस पर भी प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन की पैनी नजर रहेगी। इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, इसमें आरटीओ कश्मीर भी इन्वॉल्व है और इसमें जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन वो विभाग भी इन्वॉल्व है तो पैनी नजर अब रहेगी। तो सतर्क रहिए, जरूर कहेंगे माता पिता को भी कहेंगे सतर्क रहिए अपने बच्चों को 18 साल से कम है उन्हें मत गाड़ियां दीजिए, अगर देते भी हैं तो उन्हें पूरी तरह से एजुकेट कीजिए कि टू व्हीलर पर अगर बैठे तो सीट यानी कि हेलमेट पहनकर अगर आपके साथ कोई बैठा है तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है उन्हें यानी कि हेलमेट पहनाने की, अन्यथा चलान तो आपको घर पर आएंगे 5,000 रुपए के, भले ही आपके माता पिता गरीब होंगे परेशानी के आलम में होंगे पर वो जो 5,000 का उन्हें देना पड़ेगा वो भी उसको भी ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं माता पिता को भी अब सतर्कता बरतनी चाहिए। जो कि एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये जो कदम उठाया गया आप इस कदम को किस तरह से लेते हैं अपने कमेंट हमें सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय जवान।